तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग CSP के बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बैंकिंग एंड CSP के लेने के लिए अप्लाई किस तरीके से करेंगे। इसमें टैब में जाके हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा ज़रूरत होता है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए और कितने पैसा लगता है, इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना है, ये जो सर्विस है आपको दे रहा है डिजिटल ग्रामीण सेवा, तो सबसे पहले आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में जाके लॉग इन करके बाद जो आपको लॉग इन बटन पर जाके लॉग इन कर लेना। सबसे पहले इसे डैशबोर्ड पे आएंगे, डैशबोर्ड पे आने के बाद आपका KYC होगा। KYC जब भी अप्रूवल हो जाएगा तब जाके आप पूरा सर्विसेज में अप्लाई करेंगे। इसमें बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज है, तो इसमें और एक बेहतरीन सर्विस है कि बैंकिंग CSP लेने का मौका यहाँ से आपको मिलेगा। तो बैंकिंग CSP लेके जो है आप डेली का डेली कमीशन जो है एक दिन का अर्निंग कर सकते हैं 500 से लेके 800 तक रुपया, नॉर्मल जो मिनिमम कमाई है। इसमें जो होता है आपको बैंकिंग रिलेटेड जो जो सर्विसेज होता है, जैसे मनी विड्रॉल करना हो गया, आपका बैलेंस चेक, बहुत सारे सर्विसेज इसमें जो है बैंकिंग रिलेटेड ऑफिशियली जो काम होता है वो भी आपको बैंकिंग CSP के माध्यम से जो है दिया जाता है आपका छोटे छोटे ब्रांच के हिसाब से। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होता है आप देख सकते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, पैन कार्ड हो गया, ID प्रूफ, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, शॉप एड्रेस, आपका दुकान का एक एड्रेस जो है, और एक रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ, आपका इलेक्ट्रिक बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके लिए अप्लाई चार्ज आपका लगेगा 2500 रुपया करके, और आपका जो अप्रोक्स दिखा रहा है कि 45 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा अप्लाई होने के बाद। और आपका जो नियरेस्ट लोकेशन जो भी जहाँ जिस शॉप से जो है आप अप्लाई करेंगे बैंकिंग CSP के लेके, तो उसके अंडर जो है जो जिस भी बैंकिंग का CSP आप लेना चाहते हैं उसका 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए आपका शॉप का। तो यहाँ पे आपको देंगे आपका एप्लीकेशन नाम, एप्लीकेंट नाम जो दिखा रहा है यहाँ पे आपका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप कौन सा स्टेट से हो, यहाँ पे सिटी डाल देना है, और CSP बैंक कौन सा बैंक का CSP आप लेना चाहते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा बैंक का CSP आपको देख रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, RBL बैंक, तो ये तीनों जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक जो है बहुत ही बैंक जो है अच्छा बैंक है और यहाँ इसका सर्विसेज बहुत ही बेहतरीन है, तो इस का बैंकिंग का CSP आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस, आपका जो खुद का एड्रेस है यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद शॉप एड्रेस, आपका शॉप दुकान जहाँ पे उस एड्रेस पे डाल के आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका 45 डेज के अंदर आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको CSP के लिए अप्लाई करने के बाद जो है आप वहाँ से कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, जो भी कस्टमर का एंड ATM मनी ट्रांसफ़र, जो सब कुछ सर्विसेज जो है आप दे सकते हैं आपका छोटा सा एक दुकान में CSP को लेके।